जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी 2 एरियर पर बड़ी अपडेट है। बता दें, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर को कितना एरियर मिल रहा है, इस पर लेटेस्ट अपडेट आई है। और सिपाही से हवलदार तक ओआरओपी 2 का लाभ लेंगे। जेएसयू रैंक को ज्यादातर ओआरओपी 1 का लाभ मिलेगा। क्या है अपडेट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जेएसयू रैंक को नुकसान हो रहा है। एक लेटर देखेंगे और उसमें बताया गया है कि ओआरओपी 1 के दायरे में ये रैंक रहेंगी और ओआरओपी 2 के दायरे में एक रैंक रहेगी। कौन कौन सी रैंक किस दायरे में है वो बताएंगे। इसके बाद एक और बात इसमें है कि जिसकी ओआरओपी 2 में जो एरियर है या बेसिक है वो कम हो गई है, उनके लिए भी जानकारी दी गई है इस लेटर में। सबसे पहले तो मैं वो लेटर दिखाता हूं। इसमें ये बताई गई है कि इस पेंशन में ओआरओपी 2 1 जुलाई जो 2019 से लागू हो रहा है, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 लग रहा है सिपाही से लेके ऑनरी रैंक तक, उसमें आपको अगर इतनी एरियर नहीं मिल रहा है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, इस पर अपडेट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिपाही 17 साल की जो बेसिक होगी वो डिफरेंस होगा 1,677 रुपए और 75,000 से ऊपर एरियर बनेगा अप्रोक्स। इसके बाद नायक 22 साल का जो एरियर है वो 2,817 रुपए डिफरेंस आएगा, 1,25,000 से ऊपर नायक का एरियर बनेगा। इसके बाद हवलदार 24 से 26 साल का जो एरियर बनेगा 96,000 से ऊपर बनेगा। इसके बाद जो रैंक हॉनरी ऑनी नायब सूबेदार, और इसके बाद उसका जो एरियर बन रहा है 92,000 से ऊपर बनेगा। लेकिन नायब सूबेदार जो पूरी सर्विस कर रहे हैं, नायब सूबेदार 26 साल से रिटायर हो रहे हैं, उनको +669 का उनको फायदा हो रहा है, यानी कि उनकी बेसिक बढ़ रही है, तो उनके लिए एरियर जो होगा वो उसी हिसाब से बनेगा। सूबेदार के लिए ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिलेगा। इनको जो जिनको ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि उनकी बेसिक कम हो रही है, उनके लिए अब लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। उनको क्या किया जाएगा, उनका जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इनको जिनको माइनस में आ रहा है बेसिक में डिफरेंस, यानी कि बेसिक कम हो रही है ओआरओपी 2 में, उसके लिए लेटेस्ट अपडेट है। तो मैं जो इसके नोट्स हैं वो बता देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि ओआरओपी 1 में जो जो लोग 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हुए थे उनको ओआरओपी 1 का लाभ दिया गया था, यानी कि 1 जुलाई 2014 से पहले जो रिटायर हुए थे ओआरओपी 1 में उनको लाभ दिया गया था। 1 जुलाई 2014 के बाद पेंशन आए हैं या रिटायर्ड हुए हैं उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला था, यानी कि जो 2014 में ओआरओपी 1 लागू हुआ था उसमें 1 जुलाई 2014 से पहले वालों को इसका सीधा फायदा मिला था। अभी ओआरओपी 2 का बता दें कि जो लोग 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 के बीच में या इससे पहले रिटायर हुए हैं उन लोगों को इसमें ओआरओपी 2 का फायदा मिला है। जो लोग 1 जुलाई 2019 के बाद रिटायर हुए हैं उनको ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 2019 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको ओआरओपी जब 2024 में रिव्यूजन होगा तब उसका फायदा मिलेगा। उनको जो जो पेंशन मिल रही है वही पेंशन मिलती रहेगी। अब देख लें, सभी रैंक को ओआरओपी 2 1 जुलाई 2019 से लागू होनी थी, पर अब कुछ रैंक की पेंशन ओआरओपी 2 में कर दी गई है, मतलब कम कर दी गई है। जो पेंशन टेबल में ज्यादा दिखाई गई है वो ही उनको लाभ मिलेगा, यानी कि जिसकी पेंशन ओआरओपी 2 टेबल जो ओआरओपी 2 लागू हुआ है उसमें अगर ज्यादा दिखाई दी गई है, यानी पेंशन ज्यादा हो गई, तब तो आपको ओआरओपी 2 का फायदा मिलेगा। अगर ओआरओपी में ज्यादा, यानी कि ओआरओपी 1 में ज्यादा आपकी पेंशन थी और ओआरओपी 2 में कम हो गई है, उसको ओआरओपी 2 वाली लाभ उसको नहीं मिलेगा, यानी कि उसको सीधा ओआरओपी 1 की ही पेंशन मिलती रहेगी। या अगर आपकी ओआरओपी 2 में पेंशन कम कर दी गई है तो आपको ओआरओपी 1 का ही लाभ मिलता रहेगा, ऐसा सीधा जवाब दे दिया गया है। सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार ओआरओपी 2 में दिखाई गई पेंशन मिलेगी, यानी कि सिपाही से लेके जितने हवलदार और ऑनरी रैंक की है, ऑनरी रैंक का इनको लाभ ओआरओपी 2 का मिलेगा। लेकिन अगर जिसकी पेंशन कम हो गई है उसको ओआरओपी 1 वाली ही पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि आपकी पेंशन कम नहीं की जाएगी, आपको ओआरओपी 1 वाली ही पेंशन मिलती रहेगी। नायब सूबेदार ऑनरी रैंक कैप्टन तक ओआरओपी 1 में दिखाई गई पेंशन मिलेगी, क्योंकि नायब सूबेदार और ऑनरी कैप्टन की जो पेंशन जिसकी कम हो गई है उसको ओआरओपी 1 का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादा है उनकी।
यानी कि ओआरओपी वन में ज्यादा है, इसलिए आपको ओआरओपी वन का ही लाभ मिलेगा, ओआरओपी टू का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपकी पेंशन ओआरओपी टू में कम कर दी गई है। जो लोग 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनको जो ओआरओपी टू में दिखाई गई है वो पेंशन मिलेगी 1 जुलाई 2019 से, यानी कि 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 के बीच में जो रिटायर हुए हैं उनको ओआरओपी टू के हिसाब से पेंशन मिलेगी। एरियर भी 1 जुलाई 2019 से मिलेगा, यानी कि एरियर भी आपको 1 जुलाई 2019 से आगे का मिलेगा, पहले का नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जिसकी पेंशन कम हो गई उसको ओआरओपी वन के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी, देते रहेगी सरकार। ओआरओपी टू का लाभ उसी को मिलेगा जिसकी पेंशन ओआरओपी टू में बढ़ी है, यानी कि उनको नुकसान नहीं हुआ है उसी को इसका फायदा मिलेगा। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।